हेलो एवरीवन, हमने कल ऑर्गेनिक का पहला लेक्चर किया है कंप्लीट एंड बहुत ही इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें कि आपने एल्काइल ग्रुप के बारे में सीखा था। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के बारे में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेफिनेशन क्या थी, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो अभी हाइड्रोकार्बन्स और उसके एल्काइल हम लोग बना रहे थे। अभी हम डेरिवेटिव पे जाएंगे जो कि पूरा ट्वेल्थ में है आपके। याद करो ये था, ये कहाँ से जनरेट हुआ है आपका, CnH2n+2 से। इसमें हमने एक H कम कर दिया तो इट बिकम एल्काइल। और फिर लास्ट क्लास में हमने इन्हीं एल्काइल को सीखा था कि अगर मैं N=1 पुट कर दूं तो इट विल बी मिथाइल, इथाइल एंड प्रोपाइल। फिर दो प्रोपाइल पॉसिबल थे। N=4 अगर मैं N=4 अगर पुट कर दूं तो टोटल चार एल्काइल पॉसिबल थे। और N=5 अगर पुट करता हूं तो टोटल कितने एल्काइल बन रहे थे बच्चों, टोटल कितने एल्काइल थे, तो N=5 पुट करने के बाद ये वन टोटल 8 एल्काइल थे, ABCD। इस तरह मैंने बनाया था। आपने आई होप कि आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा, अदरवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल लिंक्ड होती है। अगर आप एक वीडियो मिस करके दूसरा देखते हैं तो यू विल बी इन ट्रबल। ओके, और मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि इसके कितने एल्केन्स बनेंगे, क्वेश्चन जे में आया था। आप लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया एंड इसका आंसर किसी बच्चे ने मुझे नहीं बताया। ओके, तो एक बार जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था उसको मैं रिकैप करता हूँ। जो क्वेश्चन मैंने दिया था कि C6H14 के कितने एल्केन्स बनेंगे, तो ये फार्मूला CnH2n+2 को बिलोंग करता है, राइट। तो अगर किसी ने ट्राई किया है तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर टोटल 5 है। और मैं बना देता हूँ कि 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के पहले हम स्ट्रेट ऐसे 6 कार्बन बनाएंगे, इसके बाद टोटल 6 कार्बन हो गए, फिर हम ब्रांचिंग करेंगे इस तरीके से। एंड 6 के बाद 5 कार्बन है एंड 1 कार्बन को हमने इस पोजीशन पर लगा दिया। अगर आप इस पोजीशन पर लगाते हैं तो अगेन इट विल बी ए स्ट्रेट चेन, राइट, तो इट विल बी रॉन्ग। एंड फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर मैं इसको 4 कार्बन में ब्रांचिंग और हो सकती, 5 कार्बन में और ब्रांचिंग हो सकती है, हम ब्रांचिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो इट ये ब्रांचिंग सेकेंड पोजीशन पे है और ये ब्रांचिंग थर्ड पोजीशन पे है। इसके बाद हम कार्बन चेन को फोर में रिड्यूस कर सकते हैं और दो ब्रांचिंग हमने अलग अलग कर दिया। और इसके बाद अगर हम एक ही कार्बन पे दो ब्रांचिंग कर दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन आपको लगा लेना है, तो टोटल 5 एल्केन्स पॉसिबल हैं। कोई अगर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि ये 3 कार्बन की ब्रांचिंग करके, 3 कार्बन की चेन बना करके मैं एक यहाँ पे लगा दूँ, ऐसे लगा दूँ, तो ये रिपीट हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं कि ये टोटल 1, 2, 3, 4 कार्बन की चेन है। यहाँ पर अगेन 1, 2, 3, 4 कार्बन की चेन है, सेकेंड पे दो ब्रांचिंग है, राइट, तो आंसर 5 है। ओके, तो एक बार जल्दी से मैं रिकैप करता हूँ। आपने क्या सीखा था कि CnH2n+1 में एल्काइल जो बन रहे थे वो N=1 रखने के बाद CH3 एल्काइल बन रहा था, N=2 के बाद C2H5 एल्काइल था, N=3 के बाद C3H7 एल्काइल था जिसके दो एल्काइल हो सकते हैं, N=4 रखने के बाद C4H9 एल्काइल था जिसके चार पॉसिबल हैं। इन चारों के नाम याद हैं क्या थे, रिमेंबर, N-ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल। ओके, सारा मैंने अच्छे से मेंशन किया है, यू कैन सी, ये देखो एन ब्यूटाइल तब जब स्टेट होते हैं कार्बन, और जहाँ पे एक वैलेंसी कम है हाइड्रोजन की और टेल से सेकेंड पे लगा दीजिए, या जहाँ पे वैलेंसी कम है वहाँ पे मत लगाइए बस, इट विल बी आइसोब्यूटाइल। एंड जहाँ पे वैलेंसी कम है वहीं पे अगर लगा दे तो दिस इज सेकेंडरी कार्बन, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। एंड टर्शरी कार्बन क्या होता है, 3 कार्बन जुड़ा होता है, इसी टर्शरी ब्यूटाइल, इसमें एक नियोपेंटाइल बना था, राइट। एंड अगर N=5 मैं रखूं तो C5H11 एंड इसके कितने बनेंगे एल्काइल, टोटल 8 एल्काइल पॉसिबल हैं, ABCDEFGH करके मैंने बनाए थे। N=6 का मैंने दिया था आपको, विच इज़ C6H13, इसके कितने एल्काइल पॉसिबल हैं,
किसी ने ट्राई नहीं किया होगा। और एक बार आपको मैं वार्न कर रहा हूँ कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एवरी डे इस तरह से नहीं समझोगे मेरी बात को, तो आगे जब बहुत हम डेप्थ में चले जाएंगे तो यू विल बी इन ट्रबल। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग वीडियो। ज़्यादा मैं वीडियो एक दिन में एक या दो ही भेज रहा हूँ आपको अब से, तो आप इसको प्लीज़ देखें। तो इसके टोटल 17 एल्काइल बनेंगे, आई एम नॉट श्योर, बट एक बार आप चेक कर लेना। एन इक्वल टू 7 में ये नंबर एकदम से बढ़ता चला जाएगा, एन इक्वल टू 8 में, और इसलिए समझ सकते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी वास्ट होती है। ओके चलो बच्चों, अभी मैं कुछ और आपको इस तरह नॉलेज देता हूँ कि मान लो ये ईथीन है, कुछ और एल्काइल के नाम याद रखना पड़ेगा आपको। इसको क्या बोलते हो आप, ईथीन, इसका कॉमन नेम क्या होता है, इथाइलीन, ठीक है, इथाइलीन। अगर मैं इसका एल्काइल लिखूं, मतलब इसको 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 प्रीफिक्स में कैसे बोलेंगे, ये सब प्रीफिक्स नेम है। एल्केन के प्रीफिक्स नेम क्या होता है, देखो एल्केन, एल्केन का प्रीफिक्स नेम क्या होता है, एल्काइल। और आपने सभी एल्काइल की नॉलेज सीखी है, कैसे बनाते हैं हम लोग एल्केन का प्रीफिक्स, जो ई है ई को हटा करके हमने वाई लगा दिया है। ओके, एन को हटा कर, सॉरी एन को हटाकर हमने वायर लगा दिया है। इथीन में क्या है कि इसका अगर मैं बनाऊं आपको प्रीफिक्स, तो क्या बनाऊंगा इसका, ई टी एच वाई इथाई और एन इथाइनिल, एन वाई एल इथाइनिल, ठीक है, ये इसका जो है प्रीफिक्स होता है इथीन का। और आई थिंक इसको मैं इथाइलीन इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम है, राइट, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ई टी एच वाई एल ई एन वाई एल, इस तरीके से इथाइलिनिल, दिस इज द कॉमन प्रीफिक्स नेम। अब ध्यान देना, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, अगर मैं इसके एक एच को कम कर दूँ, एक एच को मैंने कम करके ही लिखा है, इसके एक एच को कम कर दूँ तो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, इसका ये प्रीफिक्स नेम है। इसका दूसरा बड़ा कॉमन नेम इम्पॉर्टेंट है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है विनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, विनाइल ग्रुप, वी आई एन वाई एल, विनाइल ग्रुप, ठीक है। और इसी तरीके से अगर सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच में इस सिंगल बॉन्ड की जगह मैं अगर यहाँ पे सी एच टू लगा दूँ और यहाँ पे डैश कर दूँ, तो इसका नाम होता है एलाइल ग्रुप। ये इम्पॉर्टेंट नेम है बच्चों, ये बार बार आएंगे बुक में, इसलिए मैं भी बता देता हूँ आपको, इसका नाम एलाइल ग्रुप होता है। इस तरीके से जैसे आप याद करो, आप इसे क्या बोलते हो, इसे क्या बोलते हो आप लोग, टॉलुइन, राइट, इस पे आप एक एच को कम कर दीजिए, ये भी एल्काइल, मतलब कि आयल इसे हो गया, वाई एल लगाना है लास्ट में, तो इसे क्या बोलते हो आप लोग, बेंजाइल, क्या बोलते हो इसको, बेंजाइल। और अगर आप इससे दो एच कम कर दीजिए, ये सब आपको ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, कोई दिक्कत बात नहीं, दो एच कम कर दीजिए तो इसका नाम होता है बेंजल। और अगर आप तीनों एच कम कर दीजिए इसके, तो इसका नाम होता है बेंजो, राइट। एंड कुछ और आपको मैं इस तरह बताता हूँ, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, ठीक है। इसी तरीके से इसे, इसका नाम बेंजीन है, और बेंजीन में सभी पोजीशन पे एक हाइड्रोजन है, सभी पोजीशन पे एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। अगर आप इससे एक एच को कम कर दीजिए, तो एक बैलेंसी छोड़ दी मैंने, इसका नाम होगा बेंजाइल, सॉरी इसका नाम होगा फिनाइल। ओके, ये थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन ये बार बार आएगा नियम में, तो कोई पैनिक की जरूरत नहीं, बस एक बार मुझे इस तरह बताना है कि कैसे इस तरह प्रीफिक्स बन जाते हैं ग्रुप,
जैसे मैं आपसे पूछूं कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है ओ एच, इस कंपाउंड का नाम क्या है, दोनों के नाम मुझे बताइए, तो इसका नाम है कितना बोल क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बेंजाइल आगे ओ एच, तो क्या नाम हो जाए इसका, बेंजाइल एल्कोहल, राइट। और इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है, यस। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस कंपाउंड का नाम क्या है, CHCl2, क्या बताओगे बच्चों, बेंजल, बेंजल क्लोराइड, ठीक है। देखो अभी एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे मैं ये कंपाउंड लिखता हूँ, ठीक है, ऐसे ओके। और मैं तुमसे पूछा हूँ कि इसमें एलाइलिक कार्बन कौन सा, एलाइलिक कार्बन, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर विनाइल ग्रुप में हमने डैश किया, क्या जोड़ा था, CH2, तो इसके बाद डबल बॉन्ड कार्बन पे जो कार्बन जुड़ा होता है, इस कार्बन का नाम है एलाइल कार्बन, एलाइल कार्बन, AL YL, एलाइल कार्बन, गेटिंग माई पॉइंट, यस। तो ये कार्बन क्या होगा, देखो डबल बॉन्ड कार्बन के बाद कौन सा कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, इस कार्बन को हम बोलेंगे एलाइल कार्बन, ओके। जैसे मैं आपसे पूछूं कि इस कंपाउंड में बेंजाइलिक पोजीशन कौन सी है, बेंजाइलिक पोजीशन, तो बेंजीन से जुड़े कार्बन को बोलते हैं बेंजाइल कार्बन या बेंजाइलिक पोजीशन, है ना, ये सब आगे रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो थोड़ा सा हम लोग एल्काइल सीख रहे थे, तो बीच में ये सब मैंने बता दिया है, इसको हम वापस से जब हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत अच्छे से और भी होगा, ठीक है। सो अप टू हियर इनके नेम अच्छे से आपको नोट करना है। नेक्स्ट अब आते हैं, जिसे CnH2n+2 में हमने H को रिप्लेस करके CnH2n बनाया, जिसका नाम एल्काइल था, और इसके बाद हमने इसकी जगह, इस की जगह हमने एक ग्रुप G जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा CnH2n+1 G, जी हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप। अब देखना बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, और अभी आपको पता चल जाएगा ये सब चीज़ें कैसे ट्वेल्थ में दे रखी हैं, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, देखना ध्यान से। अपने स्लाइड को अच्छे से देख लिया है, जैसे मैं CnH2n+1 G में, अगर बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अगर मैं G को एक X से रिप्लेस कर दूं, जहां पर X क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, इसे क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, हैलोजन्स, क्या बोलते हैं इसको, हैलोजन्स। तो हमारा चैप्टर 1 ऑर्गेनिक का यही है, एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, तो उसमें जितना भी स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे हमसे हो जाएंगे, तो ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसी पे 5 नंबर के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन और कॉम्पिटिशन बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अगर आप स्ट्रक्चर एनालिसिस आपके अच्छे नहीं है तो ऑर्गेनिक में आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। अब देखो इसमें मैं मान लो मैं जी की जगह सपोज लेट कि मैंने जी को ले लिया एक्स Cl, G को ले लिया Cl, एंड Cl लिए तो फॉर्मूला क्या बन गया, CnH2n+1 Cl, और फिर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो अगेन यू विल गेट CH3Cl, और थोड़ी देर पहले क्या सीखा आपने कि इस एल्काइल के कितने स्ट्रक्चर बनते हैं, 1, n इक्वल टू 2 रखूँ मैं तो ये क्या बनेगा, C2H5Cl,
अगेन वन एल्काइल क्लोराइड एंड एन की वैल्यू 3 रखूं तो बन जाएगा C3H7Cl। गेटिंग? बताओ बच्चों C3H7 की कितने एल्काइल पॉसिबल थे, दो, याद है आप लोगों को, 3 कार्बन इस स्ट्रेन में और एक ऐसे, तो आप CH3CH2CH2 यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया और एक में मिडिल कार्बन पर Cl लगा दिया। ओके, इसका नाम क्या था, एन प्रोपाइल क्लोराइड, और इसका नाम क्या होगा, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। और इसी तरीके से अगर मैं एन की वैल्यू 4 लूँ तो क्या मिलेगा हमको, C4H9Cl। बताओ मुझे इसके कितने एल्काइल क्लोराइड बनेंगे, टोटल 4, कितने बनेंगे 4, वो सारे आपको ड्रॉ करना है, राइट। तो मैं एक बार इसको और बना देता हूँ, चारों कार्बन ऐसे स्टेट में, ठीक है, और फिर हमने सेकेंड पोजीशन पर ब्रांचिंग कर दी और यहाँ पर डैश है, फिर एक सी एल यहाँ पर, फिर CH3 CH2 CH2, इस बार हमने जहाँ पे सी एल है वहीं पर ब्रांचिंग कर दी, और द नेक्स्ट वन इज CH3 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 एंड Cl, टोटल 4 बन गए। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखना, इन चारों में एक स्ट्रक्चर में थोड़ी सी खास बात है, वो खास बात क्या है, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, इस वाले को, वैसे इसका आईपीसी नेम क्या होगा, 1 2 3 4, एक बार मैं इनका नाम कर देता हूँ, A B C एंड D। एक बार आपको जो 11th में आइसोमेरिज्म पढ़ाई गई है उसको पढ़ लेना, क्योंकि अब हम आगे बहुत अच्छे से और डेप्थ से करेंगे, तो वो इसके पहले वाले आपको आईपीसी आइसोमेरिज्म थोड़ा सा आना चाहिए, और तो मैं मेंशन करूँगा, दिस इज सी। देखो जो सी में है ना ये कार्बन, इस पे एक ग्रुप क्या जुड़ा है, सी एल, एक ग्रुप क्या जुड़ा है, सी एस थ्री, एक ग्रुप क्या जुड़ा है, इथाइल, और एक ग्रुप का क्या है, हाइड्रोजन। तो जब कार्बन से चारों ग्रुप अलग होते हैं उसे बोलते हैं असिमेट्रिक कार्बन, क्या बोलते हैं उसको, असिमेट्रिक कार्बन, राइट। और यहीं पर एक बात याद है आपको, इसे बोलते हैं काइरल, जहाँ पर कार्बन के चारों ग्रुप जुड़े होते हैं उस बोलते हैं कि काइरल सेंटर प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, काइरल सेंटर प्रेजेंट, ठीक है। और ये कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन है, यहाँ पे काइरल सेंटर प्रेजेंट है। तो व्हाट इज काइरल कार्बन, क्या होता है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, काइरल कार्बन को मैं कैसे डिफाइन करूँ, व्हेन 4 ग्रुप्स अटैच्ड टू कार्बन आर डिफरेंट देन इट इज कॉल्ड काइरल सेंटर, क्या बोलते हैं इसको, काइरल सेंटर, और उसको समटाइम्स वी कैन ऑल्सो से काइरल कार्बन, ठीक है, समटाइम्स मैंने एक वर्ड यूज किया, मैं इसको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो जब मैं पूछूं कि यहाँ पे कितने काइरल सेंटर हैं, तो आप क्या चेक करोगे कि चारों ग्रुप अलग होने चाहिए, जैसे कि मैं पूछूं क्या ये यहाँ पे काइरल सेंटर है, यहाँ पे Cl Br I और F काइरल सेंटर है, यस, बिकॉज इस काम से जुड़े चारों ग्रुप क्या हैं, अलग अलग हैं, चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ कि एक मिनिमम कार्बन का एल्केन बताओ विच हैज काइरल सेंटर, ठीक है, फाइंड मोलर मास ऑफ एल्केन हैविंग मिनिमम मोलर मास ऑफ एल्केन हैविंग काइरल सेंटर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार कंपटीशन में आ चुका है बच्चों,
ठीक है, फाइंड मिनिमम मोलर मास ऑफ एल्केन हैविंग कायरल सेंटर। ओके सो देखो मैं कार्बन लिख लेता हूँ क्योंकि कार्बन तो होना चाहिए एल्केन में, तो मिनिमम सबसे स्टार्ट किसे करूँ मैं, एच से, एच से बड़ा क्या हो सकता है सी एच थ्री, उससे बड़ा एल्केन बताना है, इसे डबल बॉन्ड ले सकता मैं, उससे बड़ा सी एच टू सी एच थ्री, और उससे बड़ा सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री, राइट। तो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल और ये हाइड्रोजन। अब इसका मास देख लो कितना, इससे 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 कम कार्बन का एल्केन नहीं हो सकता जिसमें कायल सेंटर हो, क्योंकि मैंने हाइड्रोजन से कम से स्टार्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ टोटल, सॉरी थ्री थ्री सिक्स एंड सेवन, सेवन कार्बन है तो सेवन इंटू ट्वेल्व, ठीक है, प्लस टोटल हाइड्रोजन कितने हैं थ्री टू टू सेवन टेन ट्वेल्व फिफ्टीन एंड सिक्सटीन। वैसे सेवन कार्बन का एल्केन क्या हो सकता है, सेवन कार्बन का एल्केन सी सेवन एंड एच सिक्सटीन हो सकता है, तो सिक्सटीन हाइड्रोजन हो गए। अब टोटल मास कितना आ जाएगा आप इसमें, एट्टी फोर प्लस सिक्सटीन कितना है जो है हंड्रेड यू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट फाइन ओके। इस तरह हमें करना होता है। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या था कि मैं आपसे पूछूंगी C4H9Cl के कितने एल्काइल क्लोराइड पॉसिबल हैं, तो बहुत जल्दी आप बताओगे कि इसमें चार एल्काइल क्लोराइड पॉसिबल हैं, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्सी ब्यूटाइल क्लोराइड, और इसमें एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें कि कायरल सेंटर है। ओके नेक्स्ट आते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि इसी में दूसरा क्वेश्चन, C5H12 का एल्काइल क्या था, C5H11 और इसमें हमने आगे क्या जोड़ दिया Cl, और पूछा इसके कितने एल्काइल पॉसिबल है, राइट। तो क्या आंसर आएगा, इसको मैं बना चुका हूँ एक बार, याद है आप लोगों को, इसके आंसर 8 आते हैं जो कि मैंने बनाया था लास्ट टाइम। ये देखो बच्चों, मैंने आपको इसमें बताया था कि C5H11 की 8 एल्काइल हैं, बस आपको जहाँ पे डैश है ना बच्चों, यहाँ पे Cl लगा देना है, ठीक है। तो मैं यहीं पर Cl लगा देता हूँ, देखो ये डैश है, यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl, ओके सो एक बार इसमें Cl लगा दिया मैंने। चलो मैं एक बार और आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ, बट ये आपका वर्क था। तो इसको बनाने के लिए पहले हम लोग कैसे, मैंने ट्राई किया था, मैंने ऐसे ट्राई किया था कि C5H12 के तीन एल्केन पहले बनाए थे जो कि 10th क्वेश्चन है, फिर इसमें यहाँ से एक एच कम करके Cl लगा दिया, यहाँ से एक एच कम करके Cl लगा दिया, यहाँ से एक एच कम करके Cl लगा दिया, राइट। इसी से मैं निकाल रहा हूँ, एक यहाँ से एच कम करके, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो देखो मैं तीन तो पहले ऐसे बना देता हूँ, CH3 CH2 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 CL, ठीक है। सेकेंड है CH3 CH2 CH2 CH Cl CH3 एंड थर्ड है CH3 CH2 CH Cl CH2 CH3। ओके दिस इज ए बी सी, और इसके बाद जो इसका दो एक एल्केन बना था CH3 CH CH3 CH2 CH3, यहाँ से H कम कर करके हम लोग बना देंगे। ये मैंने C5H12 को बनाया था, देखो एक बार यहाँ से H कम करो, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, और एक बार यहाँ से कम करके क्या लगा दो Cl। तो इसको मैं वापस से बनाता हूँ, देखो डी CH3 CH2 CH2 एंड यहाँ पे CH3 है CH3 एंड CH2 Cl, राइट। और दूसरा क्या बनाऊँगा CH3 CH CH3 CH Cl
एंड सी एच थ्री, राइट। अब मैं यहाँ से एच कम करूँगा। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको अभी बताऊँगा कि आपने कितने क्वेश्चन सीख लिए यहाँ पर। और एक बार मैं इन दोनों से कम करता हूँ तो सी एल सी सी एच थ्री, सॉरी दिस इज सी एच टू सी एल एंड एच एंड सी एच टू सी एच थ्री, करेक्ट। तो चार बन गए, राइट। इसके मैंने इस वाले से एक एच यहाँ से कम करके सी एल, एक बार यहाँ से एच कम करके सी एल, एक बार यहाँ से, एंड इन दोनों में से किसी एक से, और फिर लास्ट वाले में इन चारों ग्रुप में से किसी एक से सी एल कम करके हम बना सकते हैं। तो सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री एंड सी एच टू सी एल, राइट। तो थोड़े कितने आगे देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, टोटल कितने आ गए, एट एल्काइल पॉसिबल हैं, राइट। अब देखो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको धीरे धीरे समझ जाओगे, लेकिन मैं आपसे फिर कहता हूँ कि आपको एवरी वीडियो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा और नोट भी करना पड़ेगा। चलो मैं पूछता हूँ कि इसमें कहाँ कहाँ काइल सेंटर है। ये काइल सेंटर है, बिल्कुल सही, एक सी एच थ्री ग्रुप हो गया, एक सी एल हो गया, एक एच हो गया और एक प्रोपाइल हो गया। मैं पूछूँ कि यहाँ काइल सेंटर है, येस वाई नॉट, यहाँ पे काइल सेंटर हो गया, तो दिस इज ऑल काइल सेंटर, काइल सेंटर, जहाँ पे काइल सेंटर मिलेंगे वहाँ पे स्माइली देंगे हम लोग, ठीक है। एक सी एच थ्री, एक सी एल, एक एच और यहाँ पर आइसो प्रोपाइल ग्रुप हो गया। और ढूंढो, मिलेगा, मुझे तो मिल गया जी में, ये देखो इथाइल मिथाइल और ये पूरा क्लोरोमिथाइल और ये हाइड्रोजन, तो अगेन वी हैव काइल सेंटर, इसके बाद नहीं है। तो टोटल देखो कितने स्ट्रक्चर मिले, टोटल एट, और तीन ऐसे मिले जहाँ पे काइल सेंटर थे, तीन स्ट्रक्चर थे। इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। अब तो ऑर्गेनिक अनलिमिटेड होगी, कैसे। अब मैं आपको क्या करता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सी एन एच टू एन प्लस वन जी में अब मैं जी की जगह पर क्या रखूँगा, ओ एच रखूँगा और ओ आर रखूँगा। आर का मतलब यहाँ पर इट में भी ओ सी एस थ्री और इट में भी ओ सी टू एच फाइव, एलकॉक्सी ग्रुप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, एलकॉक्सी और के ओ है, एलकॉक्सी और ईथर भी है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर। ये सेकेंड चैप्टर में सारी बातें हैं, पहले आप ट्राई करोगे एक मिनट। जैसे मैं यहाँ पर जी की जगह, चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, सी फोर एच टेन ओ में हाउ मैनी एल्कोहल्स, हाउ मैनी एल्कोहल्स एंड ईथर पॉसिबल, ओके बताना जरा। तो पहले इसमें एल्काइल को बाहर निकालना पड़ेगा, पहले एल्कोहल ट्राई करो। तो अगर एल्कोहल बनाना है तो इसे OH को बाहर कर दो और यहाँ पे क्या बचा, C4H9। अब देखो थे पहले मैंने क्या बनाया था, C4H9 कितने एल्कोहल बनते हैं, चार, याद है आप लोगों को, टोटल चार एल्कोहल बनते हैं। देखो थोड़ी देर पहले बताया मैंने, टोटल चार एल्काइल बनते हैं C4H9 के, ए एन ब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल सेकेंडरी और टर्शरी। तो इसको रखते हैं, टोटल एल्कोहल चार बनेंगे और इसमें एक ऐसा एल्कोहल बनता है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, काइरल सेंटर, याद है आप लोगों को या नहीं याद है, ये देखो जस्ट गुड। ये देखो बच्चों यहाँ पर जब मैंने C4H9Cl के लिए पूछा था कि इसमें कितने काइल सेंटर हैं, तो एक काइल सेंटर यहाँ पे आया था, यहीं पे मैंने काइल सेंटर डिफाइन किया था। तो बस आपको Cl के प्लेस में क्या करना है, OH। तो सभी लोग इसको ड्रॉ करेंगे, टोटल फोर एल्कोहल बनेंगे, एन ब्यूटाइल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्शरी एंड एक मैं भूल गया, नहीं हो गया फोर, राइट, ये बनेंगे। और ईथर निकालना है, जरा ईथर के लिए ट्राई करना आप लोग, नंबर ऑफ ईथर्स, फिर मैं बताता हूँ, कीप वॉचिंग, राइट।